इंडिया में बहुत सारे हॉन्टेड प्लेस है, ये कुछ मोस्ट हॉन्टेड प्लेस इसका लिस्ट आप देख लो। इसमें से आज हम भानगढ़ फोर्ट के बारे में बात करेंगे। क्या भानगढ़ किला भूतिया है, ऐसा कौन सा मिस्ट्री है, क्या कहानी है जिस वजह से भानगढ़ किला भारत में सबसे प्रेतवादी स्थानों के रूप में माना जाता है। स्थानीय लोगों का दावा है कि उन्होंने महिलाओं को चीखते और रोते हुए चूड़ियों को तोड़ने और किले से निकलने वाले अजीब संगीत को सुना है। कभी किले से भूतिया छाया तो कभी किसी अदृश्य चीज द्वारा पीछा किया जाना, यहाँ तक कि थप्पड़ मारने की सनसनी भी वहाँ का लोग महसूस किया है। ये माना जाता है कि यदि कोई व्यक्ति सूर्यास्त के बाद किले में प्रवेश करता है तो कभी भी इसमें से बाहर नहीं आ सकता। यहाँ तक ऑफिशियली आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया लोगों को रात में भानगढ़ किले में जाने से प्रतिबंधित कर दिया है, इसलिए दरवाजे हमेशा शाम के बाद बंद कर दी जाती है। पर यह सब चीज़ स्टार्ट कैसे हुआ? वेल, भानगढ़ की कई कहानियाँ जिनमें स्थानीय लोग लिप्त होना पसंद करते हैं। सबसे लोकप्रिय है सम्राट माधो सिंह, जिन्होंने एक तपस्वी गुरु बालूनाथ जो वहाँ पर ध्यान करते थे उनसे स्वीकृति प्राप्त करने के बाद शहर का निर्माण किया था। गुरु बालूनाथ इस शर्त पर अपना स्वीकृति दे दी कि सम्राट के महल का परछाई भी उनके ऊपर नहीं पड़ना चाहिए, अगर ऐसा हुआ तो ये शहर खंडर में तब्दील हो जाएगा। पर जब महल का काम पूरा हुआ इसका छाया उनके ऊपर पड़ी, जिससे संत क्रोधित हो गया और संत का इस क्रोध के कारण भानगढ़ तुरंत एक शापित शहर में तब्दील हो गया और इसे फिर से कभी नहीं बनाया जा सका। भानगढ़ किले की और एक कहानी जो राजकुमारी रत्नावती से जुड़ी हुई है। राजकुमारी रत्नावती बहुत ही सुंदर थी और जब वो 18 साल की हुई तब उनके लिए बहुत सारे शादी के प्रपोजल आए। दूसरी तरफ एक जादूगर था जिसका नाम था सिंगिया, वो भी राजकुमारी से शादी करना चाहती थी, पर वो जानता था कि उसके साथ राजकुमारी का कोई मुकाबला नहीं है, इसलिए वो अपने पास मौजूद ब्लैक मैजिक से राजकुमारी को अपने वश में करने की फैसला लिया। उसने तेल के ऊपर ब्लैक मैजिक किया ये सोचकर कि राजकुमारी इस तेल को छुएगी तो अपने आप उसके पास चली आएगी, पर राजकुमारी को इसके बारे में पता चल जाता है और वो उस तेल की बोतल को एक पत्थर में फेंक देती है, जो कि तेल जादुई था इसलिए वो पत्थर लुढ़क के जादूगर की तरफ गिरी जिससे उसका मौत हो गया। मौत से पहले जादूगर ने इस शहर को मौत की शाप दे दी। कुछ टाइम बाद आजबगढ़ और भानगढ़ की लड़ाई में राजकुमारी रत्नावती को मार दिया गया। क्या ये सब कहानियाँ सही है कोई नहीं जानता, पर सच बात तो ये है भानगढ़ आज भी एक बहुत बड़ा अनसुलझा मिस्टीरियस प्लेस है जिनका जवाब फिलहाल साइंटिस्ट के पास भी नहीं है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपसे फिर मिलेंगे और एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा।